नमस्कार। सो आज देखिए 2 जुलाई हो चुके हैं, थोड़ा सा मैं वीडियो लेट बना, रियली सॉरी, क्योंकि मैं जैसा मैंने कहा कि मेन काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा था। जो हमारे एक दो क्लाइंट होते हैं उनको हम व्हाट्सएप पे डाल देते हैं ना राह चलते हुए, वीडियो बनाने में प्रॉपर बनाने में एक बैठना पड़ता है, समय लगता है। CW कोटा जो कि बहुत फेमस दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोटा है, देखिए हम जैसे हर स्टेट में होता है वैसे दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं उनमें 85% जो दिल्ली डोमिसाइल के लिए सीट्स हैं उसके अंदर 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है CW, जिसको बोलते हैं चिल्ड्रन एंड विडोज़ ऑफ आर्म्ड पर्सनल। और पहली बात ये होती है कि ये कोटा सिर्फ डिफेंस नहीं, पैरामिलिट्री और पुलिस पर्सनल को भी दिया जाता है। अब 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ये है। और दूसरा, ये कोटा ना IP वाले एफिलेटेड यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं है, DU में। और हम जानते हैं DU में 3 फेमस कॉलेज है, लेडी हार्डिंग, मौलाना आजाद और UCMS, राइट। ये तीनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। इन तीनों की सभी सीट 15% ऑलरेडी कोटा था, तो 85% में 5% हो चुके, तीनों कॉलेज ही बड़े बड़े हैं, तो टोटल मिला के 25-30 सीटें हो जाती हैं। जी हाँ, 25-30 सीटें जो कि बहुत रेलिवेंट होती हैं। मतलब एग्जैक्ट नंबर फिर से मैं जल्दबाजी में देखना पड़ेगा, पर 25 के ऊपर सीट है जो सिर्फ आर्म पर्सनल के लिए हैं। जो वेबसाइट होती है ना ये सब करने के लिए, लोगों को पता नहीं होता, वो होती है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट मेडिकल साइंस। तो आप नोट कीजिए FMSC.ac.in। उस वेबसाइट पे ढूंढना ही बड़ा मुश्किल होता है, तो ढंग से देखिएगा, आपको MBBS BDS एडमिशन 23-24 नज़र आएगा। ऑनलाइन लिंक खुल चुका है, फॉर्मेट है कि जो आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा अपने जो भी आपकी कमांड थी, जिसको ये लोग एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि दिल्ली कोटा है, दैट मीन्स जिसको दिल्ली कोटा लगता है, मतलब 11th 12th दिल्ली से करिए, वही एलिजिबल है इस कोटा के लिए, ठीक है। एक चीज़ मैं और बड़ा क्लियर कर दूँ, जैसा कि डिफेंस में बड़ा कॉमन ही है, इसमें भी टोटल 9 प्रायोरिटी हैं, राइट। अब क्योंकि मैं ऊपर 2-3 लोगों ने सवाल पूछे, और देखिए मैं आर्मी वालों से अक्सर, मैं आपको पता ही है कि 2500 रुपये लेके बात करता हूँ, बट कभी कभार रिटायर्ड सर्विस मैन जो कि खासकर लोअर रैंक से रिटायर्ड होते हैं, मैं उनके साथ कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, ये मेरा अपना रहता है। लोगों ने यही नहीं पता है कि प्रायोरिटी चलती कैसे है, तो बड़ा सिंपल है जी। Priority 1 के 200 नंबर ऊपर हैं Priority 6 के 500 नंबर से, क्लियर हो गया। तो प्रायोरिटी का मतलब ही ये है, और इसमें कोई ये नहीं है कि सीटें फिक्स है एवरी प्रायोरिटी के लिए, नहीं। जैसे टोटल 25 सीटें हैं, अगर 25 के 25 बच्चे Priority 1 के आ गए तो उन्हीं को मिल जाएंगी। अब वो 25 बच्चों में जो 25वां बच्चा है, चाहे उसके 140 नंबर हो, मतलब जस्ट नीड क्वालिफाइड, या अगर कैटेगरी क्वालिफाइड है तो 108 नंबर हो, समझ रहे हैं बात को, और चाहे Priority 3 में 450 नंबर वाला हो तो भी सीटें मिलेंगी Priority 1 को। और ये मतलब होता है प्रायोरिटी का। और इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई 25 सीटें हैं तो 5 Priority 1 5 Priority 2, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है, देखिए Priority 1 to 4 तो हम हमेशा जानते हैं, Priority 1 तो उनके बच्चों और बीवियों के लिए होते हैं जो कि बिल्कुल एक्शन में जिनकी डेथ हुई है। Priority 2 हम उनको मानते हैं हमेशा जो एक्शन में, जो जिनको बहुत ज़्यादा फिजिकल डिसेबिलिटी आई। तीसरा भी वो होता है कि जो डेथ हुई है इन पीस टाइम, लेकिन जो उनकी डेथ का मेन कारण है वो उनकी फ़ौज की जॉब है। और चौथी प्रायोरिटी वही होती है अगेन कि जो डिसेबल हुए पीस टाइम में चाहे, बट जिसका जो डिसेबिलिटी है उसको हम मिलिट्री सर्विस से एट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये 4 प्रायोरिटी तो सही बताओ बच्चे भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि थैंकफुली उतनी डेथ नहीं होती है। पर जो Priority 5 है, जिसमें है कोई भी एक मेडल मिला हुआ है अगर आपके पेरेंट को, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये अगेन बड़े बड़े हो गए, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, लेकिन प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, नवसेना, वायुसेना मेडल, ये सब मिला है, तो ये Priority 5 है। Priority 6 फिर एक्स सर्विसमैन को दी जाती है जो रिटायर हो चुके हैं। Priority 7 फिर दी जाती है वाइफ ऑफ, मतलब पहली प्रायोरिटी उनको दी गई है कि वाइफ ऑफ डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन एक्शन एंड बोल्डेड आउट ऑफ सर्विस, डिफेंस पर्सन डिसेबल्ड इन सर्विस एंड बोल्डेड आउट विद डिसेबिलिटी टू मिलिट्री सर्विस, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक जो Priority 2 और 4 था वो खाली बच्चों के लिए था, ये Priority 7 आ गई। फिर Priority 8 होती है सर्विंग प्रोफेशनल के बच्चे, Priority 9 लास्ट में है सर्विंग पर्सनल्स की वाइफ्स। तो अब ये सब जानते हैं आर्मी वाले। पॉइंट मेरा ये था कि अगर आपके 200 नंबर भी हैं लेकिन आपको मालूम है कि आप Priority 5 तक में आते हो, 1 से 4 वालों को तो पता ही होता है,
और आई एम श्योर कि एक से चार जो प्रायोरिटी में आते हैं ना उनको कहीं तो इंडिया में सरकारी सीट मिल जाती है। ऐसा सिस्टम बनाया जा चुका है हिंदुस्तान में, हर स्टेट में सीटें होती हैं। बट अगर आप प्रायोरिटी पाँच वाले हैं, 200 नंबर भी हैं, तो भी ज़रूर CW कोटा वाला एप्लीकेशन कर दीजिए। सिमिलरली जैसे जैसे हर स्टेट में आएगा अपने अपने स्टेट का ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड तो सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए था, लेकिन ये जो है ये CRPF, क्या बोलते हैं उसको, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, मतलब पैरा मिलिट्री है, उनके लिए भी लागू है। तो देखिए कल लास्ट डेट है, आज 2 तारीख हो चुकी है, तो जिन लोगों को नहीं पता, वैसे पता ही होता है जैसे मैंने कहा जो फौज से बिलोंग करते हैं, पर चूंकि मैंने आज ही सुबह एक से बात की है जिसने अभी तक नहीं करा था, इसलिए मैंने बोला कि कल शाम को 5 बजे का टाइम है। बाकी बहुत सिंपल है, सुबह जाके बस अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, सब कुछ FMSC.AC.IN पे आपको मिल जाएगा। ओके, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय। और इसके अलावा हमारी प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहें 9643362320 पे कॉल कीजिए। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय। 2500 रुपये फ़ोन काउंसलिंग के, 5000 रुपये फेस टू फेस काउंसलिंग के लिए पहली काउंसलिंग के, और उसमें हम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा पैकेज लेना है हमारी फुल काउंसलिंग का, अगर आप लेना चाहें तो। 2-4 सवाल कभी कभार लोगों को पूछने होते हैं, कई हमारे साथ पूरे सीज़न में ऐसा ही होता है कि लोग खुद काउंसलिंग कर रहे होते हैं, किसी और काउंसलर से करवा रहे होते हैं और बीच बीच में हमसे सवाल पूछते हैं ताकि उनको सही जानकारी मिले, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको प्राइस बताइए 2500 और 5000। ओके, बाय बाय, टेक केयर।